ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर देखिए होता क्या है कि जब भी आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को साइन करना होता है तो वहाँ पे हमें डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है तो डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये नहीं होता कि आपने पेन उठाया और जो है आपने लैपटॉप के ऊपर या फिर मोबाइल के स्क्रीन पर साइन कर दिया और वो हो गया नहीं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वहाँ पर मिलता है जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो इशू करती है ठीक है तो आप जो जिस भी कैंडिडेट्स को वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिला होता है उसको हम क्या कहते हैं सब्सक्राइबर कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू सबसेक्शन वन जेड जी सब्सक्राइब सब्सक्राइबर मीन्स अ पर्सन इन हुज नेम द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इशूड यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इशूड तो उसको हम क्या कहते हैं सब्सक्राइबर कहते हैं यानी कि अगर आपने जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करवाया है सर्टिफाइंग अथॉरिटी से तो आप जो है सब्सक्राइबर हो गए तो अब ये जो सब्सक्राइबर होते हैं इनके कुछ ड्यूटीज होती है जो कि सेक्शन फोर्टी से फोर्टी टू के बीच में बताया गया है प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर हु हैव ऑप्टेन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फ्रॉम सम सर्टिफाइंग अथॉरिटी यानी कि अगर आपने किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करवाया है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली साइन करने के लिए जैसे आई अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होंगे या फिर आपकी फैमिली में कोई फाइल करता होगा तो वो वहाँ पर एक ऑप्शन था डिजिटल सिग्नेचर का तो डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर जिस जो भी सब्सक्राइबर होते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के उनके कुछ ड्यूटीज होती हैं जो कि सेक्शन 40 से 42 के बीच में बताया गया है तो सबसे पहला है जेनरेटिंग की पेयर जेनेटिक की पेयर जो कि सेक्शन 40 में बताया गया है वेयर एनी डी एस सी

की को वो जनरेट करे और साथ ही साथ यह भी उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको लिस्ट करे कहां पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में टू बी लिस्टेड इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी जो भी उसने की जो है जनरेट किया है उसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में लिस्ट करें और कैसे लिस्ट करेगा बाय अप्लाइंग इन दिस सिक्योरिटी प्रोसीजर जो सिक्योरिटी प्रोसीजर होता है जो कि सेक्शन 16 में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको उस की को जो है लिस्ट भी करना होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में तो यहां पे जो है एक ड्यूटी हो गई कि की, की पेयर को जनरेट करना और उसको लिस्ट करना हो गया क्लियर वहीं पर नेक्स्ट जो ड्यूटी है सब्सक्राइबर की दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो कि सेक्शन फोर्टी में बताया गया है देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मतलब कि अगर आप जो है अपना सर्टिफिकेट किसी एक या एक से अधिक पर्सन को पब्लिश करते हो या फिर अथॉराइज करते हो कि वो पब्लिश कर सके तो ये एक्सेप्टेंस हो गया या फिर आप जो है कहीं रिपोजिटरी में उसको यूज करते हो या फिर आप जो है डेमोन्स्ट्रेट करते हो उसको अप्रूवल को तो फिर आप क्या हो जाओगे यानी ये माना जाता है कि आपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लिया है तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सेक्शन फोर्टी में क्या है इंटाइटल हिम यानी कि सब्सक्राइबर टू द राइट अंडर इट एज वेल एज सम इम्पोजेज अपॉन हिम यानी कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपके पास कुछ राइट्स भी होंगी और साथ ही साथ आप एक्सेप्ट किया है तो आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन भी होगी तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस को लेकर ए सब्सक्राइबर बी डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड अ डीएससी इफ़ ही पब्लिस और अथोराइज द पब्लिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टू वन और मोर पर्सन और इनर रिपोर्टरी और अदरवाइज डिमॉन्स्ट्रेट हिज अप्रूवल ऑफ डीएससी इन एनी मैनर यानी कि जब कोई पर्सन जब कोई सब्सक्राइबर किसी भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक या एक से अधिक पर्सन को पब्लिश करता है या फिर उसको रिपोजिट्री में पब्लिश करता है या फिर उसको जो है डेमोन्स्ट्रेट करता है अपना अप्रूवल किसी भी मैनर में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को लेकर तो यह माना जाएगा कि जो सब्सक्राइबर है उसने डिजिटल सिग्नेचर

जो भी डी में इंफॉर्मेशन है और सब्सक्राइबर की नॉलेज में है वो सभी के सभी ट्रू हैं ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लीगेशन है सब्सक्राइबर का क्लियर यानी कि उसने जो है सर्टिफिकेट अथॉरिटी को जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो सही है जो भी डी में इंफॉर्मेशन है जो भी उसको पता है सब्सक्राइबर को वो भी सही होने चाहिए और साथ ही साथ सब्सक्राइबर के पास जो है प्राइवेट की और पब्लिक की भी जो है वो होनी चाहिए और भी लिस्टेड होनी चाहिए कहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में वही जो तीसरा है दैट इज़ कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की यानी कि सेक्शन 42 में बताया गया है कि प्राइवेट की का कंट्रोल भी कहाँ होना चाहिए जो सब्सक्राइबर है उसके पास ड्यूटी टू एक्सरसाइज रिजनेबल केयर टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट की कॉरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिकली लिस्टेड इन द डीएससी क्लियर तो पब्लिकली लिस्टेड डीएससी एस सी में आ, अगर आपका जो प्राइवेट की है उसका पूरा कंट्रोल रिजनेबल केयर जो है वो सब्सक्राइबर को रखना होता है ड्यूटी टू तो टेक ऑल स्टेप्स टू तो प्रिवेंट डिस्क्लोजर ऑफ प्राइवेट की यहाँ पे जो है जो भी अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हो प्राइवेट की को अपने तो यहाँ पर आपको पूरी जो है ध्यान रखना होगा किसको सब्सक्राइबर्स को इफ़ द प्राइवेट की हैज़ बिन कंप्रोमाइज्ड और लॉस्ड ड्यूटी टू कम्युनिकेट द सेम टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी विदाउट एनी डिले अगर जो है प्राइवेट की आपसे सब्सक्राइबर से खो जाता है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो उस केस में जो सब्सक्राइबर उसकी ड्यूटी बनती है कि तुरंत के तुरंत सर्टिफाइंग अथॉरिटी यानी सीए को जो है बिना किसी डिले बिना किसी लेट के जो है वो वहाँ पे इन्फॉर्म करे कम्युनिकेट करे तो ये जो है इं, तीन इंपॉर्टेंट जो है ड्यूटी हैं सब्सक्राइबर uh, के अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का यूज़ किया है आपने जो है शू करवाया है तो पहला कि आप की पेयर को जनरेट करेंगे उसको लिस्ट करेंगे डी में आप जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करेंगे और साथ ही साथ जो है वहाँ पर आपकी कुछ रिस्पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह हैं वो सारी की सारी आपने जो सही दी हैं और वहीं पर कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की प्राइवेट की अगर आप जो है जनरेट कर रहे हैं तो वो लिस्ट हो डी एस सी में और साथ ही साथ उसको आप रीजनेबल केयर भी कर रहे हैं उसका पूरा कंट्रोल आपके पास हो और उसमें जो भी अगर आप जो डिस्क्लोज़ कर रहे हैं तो उसका पूरा ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है फिर लॉस्ट हो जाता है तो उस केस में आप तुरंत जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बिना किसी डिले के कम्युनिकेट करेंगे यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग